बॉलीवुड की खबरें इस प्लैनेट पर जारी रहेंगी, लेकिन पहले देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कटरीना कैफ को मिलेगा वैलेंटाइन डे का तोहफा। ये तोहफा देंगे सलमान खान और गिफ्ट में उन्हें मिलेगा एक आलीशान फ्लैट। सुनने में आया है कि सलमान ने कटरीना के लिए बनवाया है 4 BHK फ्लैट, वो भी मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में। कहा तो ये भी जा रहा था कि इस फ्लैट का इंटीरियर डिजाइन करेंगे ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन, मगर लगता है कि कटरीना का वैलेंटाइन गिफ्ट अब भी दूर है और सलमान से इस तोहफे के लिए वो अब भी तरस रही हैं। I have no flat, I have no new flat, nor has anyone bought me any flat. Please, this is something I would like to clear. I have nothing like that. I had a house for the last 4 years. No one has bought me any new flat. चलिए कटरीना, सलमान से तोहफा मिलने में भले ही वक्त हो, मगर आप अपने हिट जोड़ीदार अक्षय कुमार के टच में तो जरूर होंगी। भाई आखिर चांदनी चौक टू चाइना के वो 7 देशों में प्रीमियर कर रहे हैं और इनमें से किसी न किसी प्रीमियर को अटेंड करने के लिए उन्होंने आपको इन्विटेशन तो जरूर भेजा होगा। Which premiere? He's been in a lot of premieres. Any premiere you have been invited for? No, sorry. Not yet. सलमान ने भी दिल तोड़ा और अक्षय ने भी। सल्लू तो खैर आपके अपने हैं, कभी ना कभी आपको मना लेंगे, लेकिन अक्षय का क्या, उन्होंने तो आपको नाराज कर दिया। आपने उनके साथ लगातार 3 हिट्स दी हैं। ऐसे में क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि चांदनी चौक टू चाइना की खुशी में अपनी लेडी लक को भी शामिल करें? I don't think I am Akshay's lady luck as you put it. Nor do I think anyone else is can be. A film works if a film is good. कटरीना, ये तो आपका बड़कपन है कि आप खुद को हकीकी लेडी लक नहीं मानती, मगर ये कहने का क्या मतलब था? I don't think I am Akshay's lady luck as you put it. Nor do I think anyone else is can be. Nor do I think anyone else is can be. कहीं इनडायरेक्टली कैट ने दीपिका को तो अपने निशाने पर नहीं लिया? भाई आखिर अक्षय ने पार्टी जो चेंज कर दी है, कटरीना के साथ हिट्स देने के बाद अब दीपिका के संग जोड़ी जमा रहे हैं। अब ये बात तो कैट को खटकेगी ही। नाराज ना होइए कटरीना, आपकी ऑडियंसेस ही आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा है, उन्हीं से खुश रह लीजिए। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।